Purchase your tracks today. फ्रेंड्स, आज का वीडियो कुछ डिफरेंट है सर। कुछ एक कोट से स्टार्ट करना चाहूँगा एक प्रोजेक्ट लेने से पहले, और ये प्रोजेक्ट डिलीवर आप लोगों को जो मैं कर रहा हूँ, दो बातें मेरे सामने थी, या तो मैं बिलीवर बनूँ या तो मैं ड्रीमर बनूँ। लेकिन ड्रीमर बनने से पहले मुझे बिलीवर बनना था, अपने आप में कॉन्फिडेंस लेना था, अपने आप में बिलीव मुझे करना था कि मैं क्या चीज़ आपको दे रहा हूँ। अपने प्रोडक्ट्स के लिए मुझे कॉन्फिडेंस होना था जो मैं हूँ, और जो मैं ये चीज़ आप लोगों के सामने जो मैंने प्रेजेंट की हुई है, दिस इज़ कॉल्ड मॉडिफिकेशन एंड दिस इज़ कॉल्ड अपग्रेडेशन। जो मैंने पहले के वीडियोस में आप लोगों को बोला था, क्वालिटी स्पीक्स। महंगी चीज़ एक बार महंगी लगती है, सस्ती चीज़ बार बार महंगी लगती है। ये आपके सामने उदाहरण है, ये एर्टिका CNG कार ही है दोस्तों, जो मैंने आपको प्रेजेंट की है। अगर मैंने बोला है आपको क्वालिटी स्पीक्स, तो एक एक चीज़ मुझे बताना कि मैं आपसे क्या चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो ये आप लोगों के सामने मैंने प्रेजेंट किया है। ये कार में अल्टीमेट मैंने काम किया हुआ है, लेकिन मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ स्पॉइलर से। जो स्टनिंग स्पॉइलर हमने ये कार में इंस्टॉल किया है ना दोस्तों, आज आप ही मुझे कमेंट्स में बताना कि एक ये स्पॉइलर इंस्टॉल करने के बाद द लुक ऑफ द कार किस तरीके से आ रहा है। ये कोई रेगुलर स्पॉइलर नहीं है दोस्तों, दिस इज द स्टनिंग स्पॉइलर है। ये आप देख सकते हैं इसकी फिटमेंट, इसकी फिनिश और इसकी जो टर्निंग्स आ रही है, मैं खुद बोल सकता हूँ दोस्तों, ये स्पॉइलर से प्यार हो गया है। क्योंकि स्पॉइलर्स तो काफ़ी सारे हमने भी इंस्टॉल किए हुए हैं, लेकिन दिस इज समथिंग अमेजिंग। अगर मैंने स्पॉइलर लगाया है तो ये जो किट है, इंस्पायर फ्रॉम द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। ये इंडोनेशियन किट्स है जो मैंने आप इंस्टॉल की हुई है। जस्ट सी द फिटमेंट एंड द फिनिशिंग ऑफ द किट। देखिए, अगर मुझे कुछ आप लोगों को प्रेजेंट करना है तो ये डिफ्यूज़र मैं नहीं आप लोगों को प्रेजेंट कर सकता हूँ। अगर मुझे लुक चाहिए, मुझे प्रेजेंस चाहिए, मुझे स्टैंड आउट चाहिए, तो मुझे बॉडी किट इंस्टॉल करनी पड़ेगी। मैंने मारुति MGA की भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हुई है, लेकिन मैं पर्सनली, मुझे इतना मज़ा नहीं आया वो किट में। लेकिन वाइट
ब्लैक, मैंने सैटिन कलर यूज किए हुए हैं, इसमें रेड नहीं है दोस्तों, ये भी सैटिन है, ये भी सैटिन है, और जो नंबर प्लेट के जो गार्निश है वो भी सैटिन है। आप देख सकते हैं नो ओवर लाइटिंग, नो ओवर मॉडिफिकेशन, नो ओवर क्रोमिंग। यस, दिस इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन एंड दिस इज कॉल्ड अपग्रेडेशन जो आप लोगों के सामने मैंने प्रेजेंट की है। ये कार में वाइपर भी नहीं लग के आता है, जो मैंने वाइपर इंस्टॉल किया है, और इसकी वर्किंग भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ये रहा रियर प्रोफाइल ऑफ द कार। अब रियर ऐसा है तो फ्रंट कैसा रहेगा दोस्तों? एक एक चीज़, आज का वीडियो लंबा बनेगा दोस्तों, लेकिन दिल से काम किया हुआ है ये कार के अंदर। मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ अगेन द किट से। बैक की आपने किट देखी है, जो फ्रंट की अगेन द इंडोनेशियन जो किट आती है, वाइट ब्लैक एंड द सेटिंग कलर हमने किया है। किस तरीके से अभी मैं, आप तो देख रहे होंगे मोबाइल या टीवी में, लेकिन लाइव ये जो चीज़ है ना दोस्तों, ये समथिंग अमेजिंग है। क्रिस्टल DRLs, ये DRL का जो स्टैंड आउट आता है ना, इज समथिंग अमेजिंग है इसके अंदर। ये ऐप के थ्रू पूरे चेंज हैं, और प्लस जो इंडिकेटर का भी पोर्शन है, मुझे कुछ न्यू तरीके से आप लोगों तक लेके आना था। ग्रिल भी चेंज की हुई है, द ब्लैक कैस्केडेन जो है, ग्लॉसी ग्रिल्स हमने इंस्टॉल की है। मैंने कोई आफ्टर मार्केट नहीं बोल सकते हो, और ना ही इसमें आप बोल सकते हो कि मैंने क्रोम्स वगैरह इंस्टॉल किए हैं। द लोअर में भी मैंने पियानो ब्लैक किया है, जो फोक लैम्प कवर है वो भी पियानो ब्लैक किए हैं, एंड द ओसराम के प्रोजेक्टर्स है, इसका जो नाइट टाइम का इफेक्ट है मैं वो भी आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। और लो बीम और हाई बीम में LEDs इंस्टॉल की हुई है मैंने। फ्रंट ज़रूर मुझे बताना दोस्तों किस तरीके से लगा है, एंड नॉट द लीस्ट मैंने 360 डिग्री कैमरा भी इंस्टॉल किया है विद द प्रॉपर कैलिब्रेशन के साथ, प्रॉपर फिटमेंट के साथ, मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगा। फ्रंट आप लोगों के सामने है, रियर आप लोगों के सामने है, अब आई बारी साइड प्रोफाइल ऑफ द कार में। मैंने फ्रंट और बैक में इतनी दिल से मेहनत की हुई है, तो मैं साइड में भी कोई चीज़ की कमी नहीं छोड़ूंगा। मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ एलॉय व्हील से, द वी लाइन एडिशन एलॉय व्हील। ये दिस इज द 16 इंचेस एलॉय व्हील। ये बॉडी से फ्लश आते हैं, बॉडी से बाहर बिल्कुल नहीं आते हैं, लेकिन जो चलने में इसका जो मज़ा है बहुत बढ़िया है। साइड की स्कर्ट्स भी आप देख सकते हैं, फ्रंट बैक एंड साइड की, वाइट ब्लैक एंड द सैटिन कलर है। एक स्पोर्ट्स किट, इसे मैंने नाम दिया है वी लाइन 22, वी लाइन प्लस बोल सकता हूँ, वी लाइन प्लस इसके लिए बोल सकता हूँ। इंडिया की फर्स्ट एटिका रहेगी, जिसमें स्टनिंग स्पॉइलर मैंने इंस्टॉल किया है, इंटीरियर्स आप बोल सकते हो। ये जो स्पोर्ट्स किट्स भी है, मैं प्राउडली आप लोगों के सामने प्रेजेंट करता हूं कि वी इंडियंस कैन डू ईच एंड एवरीथिंग, और उनसे अच्छा काम करके हम बता सकते हैं। अगर इंसान दिल में सोच ले ना, मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको बोला था कि बिलीव अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखे ना, हर चीज़ हम कर सकते हैं, जो मैंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हुई है। साइड में मैंने 2-टोन रैप किया हुआ है इसके अंदर, वाइट एंड ब्लैक। डोर वाइजर, पट्टा पुट्टा, क्रोम व्रोम कुछ नहीं मुझे लगाना था, लेकिन बताना भी था कि अपग्रेडेशन किसे बोलते हैं, मॉडिफिकेशन नाम किसे बोलते हैं ये वाली चीज़ को। मिरर के कवर हमने पियानो ब्लैक किए हैं, लेकिन मेरे एक एक पियानो ब्लैक की फिनिशिंग वर्क देखिए, एक भी डॉट स्पॉट नहीं आएगा। जो लोअर पोर्शन है, इसे भी मैंने पियानो ब्लैक किया हुआ है। हैंडल रिप्लेस किए हुए हैं मैंने पियानो ब्लैक के, इसमें कुछ भी स्टिक ऑन वगैरह प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन साइड में अगेन द वी लाइन एडिशन के ग्राफिक्स किए हुए हैं। हाई इंफ्रारेड हीट रिजेक्शन फिल्म लगाई हुई है, एंड द रूफ रेल्स मैंने ये कार्स में इंस्टॉल की हुई है। एक ब्लैक ग्लॉसी रूफ रेल्स लगने से अलग ही चीज़ आती है। अब तो रही बात एक्सटीरियर की, नेगेटिव कमेंट का मैं स्वागत करता हूँ। जब तक नेगेटिव मेरा आईना है, आप लोग मुझे नहीं बताओगे मैं आगे अपग्रेड कैसा होता हूँ। मुझे अभी बोलते हैं कि पॉजिटिव कमेंट, नेगेटिव कमेंट को जवाब, मैं तो अभी से नेगेटिव कमेंट को पहले जवाब दूंगा, क्योंकि नेगेटिव कमेंट मेरा आईना है, तो मैं उनको भी क्रेडिट देता हूँ जो मुझे नेगेटिव बोलते हैं। पॉजिटिव वाले तो मेरे साथ हैं हमेशा 24 आवर्स,
लेकिन नेगेटिव वालों का भी मैं स्वागत करता हूँ दोस्तों। प्लीज़ आइए, कमेंट पे कमेंट कीजिए, मैं आपको आंसर दूंगा वो चीज़ में। अब आए हैं हम वाव फैक्टर ऑफ द कार में। जब मेरा एक्सटीरियर ऐसा है तो मेरा इंटीरियर क्या लेवल का रहेगा। मैं इंटीरियर से जो स्टाइलिंग किट है ना दोस्तों, जब मैंने बोला मैंने दिल से जो काम किया, मुझे खुद को नहीं पता 10 है 20 है 40 है या 50 पीसेस मैंने स्पार्कलिंग की हुई है। जस्ट सी द फिनिशिंग ऑफ द इंटीरियर स्टाइलिंग किट। इंटीरियर स्टाइलिंग किट इसे कहते हैं दोस्तों। अगर एक लग्जरी कार में आप बैठते हैं ना, ये फील आना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी किट लगा दी और उसे बोल दिया इंटीरियर स्टाइलिंग किट। इसे कलाकारी बोलते हैं। ये ब्लैक स्पार्कलिंग विद द सैटिन कलर, रेड नहीं है दोस्तों, दिस इज द सैटिन कलर है। जो डोर पैनलिंग है, एम्बियंट लाइटिंग का इफेक्ट, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अब रही बात आई स्टेयरिंग। स्टेयरिंग तो मैं हर वक्त आप लोगों को बताता हूँ दोस्तों, फील और क्वालिटी, मेरी फिनिशिंग, मेरा काम देखिए आप। हॉर्न पैड इतना तो किया, लेकिन पीछे का हिस्सा भी तो देखिए मैंने किस तरीके से किया हुआ है। एक भी डॉट तो बताइए कि मेरे हाइड्रो डिपिंग में कहाँ कमी रह गई है। मेरे एसी के वेंट्स आप देखिए, जो रिंग्स है इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की, वो चीज़ देखिए। सेंटर पोर्शन आप देखिए, द स्पार्कलिंग ब्लैक विद द सैटिन के साथ, दिस इज कॉल्ड अपग्रेडेशन। इसे बोलते हैं दिल से काम, इसे बोलते हैं प्रेजेंटेशन दोस्तों आप लोगों के सामने। द डैशबोर्ड रैप किया हुआ है द वॉलड्रॉफ लेदर से, उसका सॉल्यूशंस भी अलग आते हैं। एयरबैग में भी कोई इफेक्ट नहीं आपको आएगा, एक तरीका रहता है हर चीज का। सनग्लास होल्डर वो भी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है कार में। पिलर्स वो भी मैंने रैप किए हुए हैं। लेकिन जो सेंटर आर्मरेस्ट है, इसकी भी तो कलाकारी देखिए दोस्तों। सैटिन गैलेक्सी स्पार्कलिंग ब्लैक, साइड में भी आप ध्यान से गौर कीजिए, जो मैंने साइड की किट्स पे भी गौर कीजिए दोस्तों, सेंटर आमरेश वो जेन्युइन लगा है। द वी स्पोर्ट्स एडिशन सीट कवर दोस्तों, क्या रिस्पांस दिया है आप लोगों ने मुझे। इसकी फिटमेंट, फिनिश, इसकी क्वालिटी इज समथिंग अमेजिंग दोस्तों। मैटिंग टॉप गियर की मैंने लगाई हुई है, लैमिनेशन नहीं किया हुआ है विद द डायमंड स्टिच। एल्यूमिनेटेड कप प्लेट्स इंस्टॉल किए हुए हैं। लेकिन एक एक चीज आप देखिए, वाइपर के आप देख सकते हैं ऑन एंड ऑफ, इसके कॉम्बिनेशन स्विचेस इंस्टॉल किए हैं और बंद होने के बाद ये वहीं जाके रुकता है। फोक लैंप्स की भी रिंगिंग मैंने चेंज की हुई है। लेकिन जो किट है ना दोस्तों, एक अलग है। मेरा जो 360 डिग्री है, उसके पीछे की पैनलिंग भी मैंने ब्लैक की हुई है। 360 डिग्री कि हाउ इट वर्क, 360 के बहुत सारे वीडियोज भी हैं, लेकिन परफेक्शन किसे कहते हैं मैं आज बताऊंगा। कैलिब्रेशन परफेक्ट तरीके से किसे बोलते हैं मैं वो भी आपको बताऊंगा। मुझे कुछ बताना नहीं है कि ये किया वो किया, आई नो हाउ टू डू दैट परफेक्टली। लेंथ साइज सब कुछ ये है। अभी ये मैं रिवर्स है मैं ले रहा हूँ, एक 360 बर्ड व्यू देख सकते हैं कि हाउ आई हैव कैलिब्रेटेड परफेक्टली। ये वाइल मूविंग का शॉट्स आप देख सकते हैं, ये जो 360 मुझे व्यू आना चाहिए एकदम परफेक्टली तरीके से पूरा मुझे आ रहा है। प्लस इसमें मेरे DVRs भी हैं, वो भी मैं कर सकता हूं। लेकिन जो मेन है मुझे, जिसे 360 बोला जाता है वाइल्ड रनिंग, कि मुझे देखना है द बर्ड व्यू किस तरीके से रहता है, मुझे आपको बताना है। ये रिवर्स में आप देख सकते हैं दोस्तों कि हाउ परफेक्टली वी हैव डन ईच एंड एवरी जॉब ऑफ दिस कार। 3D इफेक्ट्स भी आप देखिए, यस दोस्तों। लेकिन एक एक आप ये फिनिश आप देखिए। अब आगे का हो गया दोस्तों, अब तो मैं सेंटर में भी आपको बताऊंगा। डोर पैनलिंग, एम्बियंट लाइटिंग, बॉटल होल्डर, सीट कवर, मैट्स एंड द पीछे चार्जर का हिस्सा भी देखिए दोस्तों। एक एक बारीकी से आप ध्यान देखिए कि स्पार्कलिंग ब्लैक किया है। पिलर ए, पिलर बी एंड पिलर सी
ऑल द थ्री पिलर्स हैज बीन रैप। और एक आपको मैं बताऊंगा, यहाँ बैठ के जो किट का जो मैंने इंटीरियर स्टाइलिंग किट इंस्टॉल की है ना, ये कुछ अलग और ये नेक्स्ट लेवल है दोस्तों। आज जो मैंने वीडियो भी बनाया ना, दिल से बनाया हुआ है ये वीडियो। और जब इंसान दिल से काम करता है ना, तो ये चीज़ उभर के आती है। खाना होटल्स में भी खाते हैं, घर पर भी हम खाते हैं, लेकिन उसे जब दिल से बनाया जाता है ना, तो ये रिजल्ट आता है। दोस्तों आज मुझे ज़रूर बताना कि मेरी कमी कहाँ रह गई है। रह भी गई होगी, मैं फिर से अपने आप में बिलीव करके आप लोगों के सामने आऊँगा और बताना कि आपने मैंने एक एटिका को क्या स्टैंडर्ड मेंटेन किया है, एक स्टैंडर्ड बढ़ाया है कार का। मैं हर वक्त बोलता हूँ कि कोई नहीं बोल सकता है कि ये जो कार है बजट कार है, और ये बजट कार है ही नहीं। जो हमारे एर्टिका और क्रेटा वालों में जिगर है ना काम करके करने का, और ये दिल से कार अपग्रेड होती है। डे टाइम का तो शूट हो चुका है, नाइट मोड में भी तो बताना है कि वी लाइन 2.0 किस लेवल की है। सबसे पहले नाइट मोड के टाइम पे द क्रिस्टल DRL विथ द इंडिकेटर्स के साथ, अपर DRL नहीं है, ये चीज़ हमने इंडिकेटर्स के लिए यूज़ की है। लेकिन आज तो मैं एर्टिका में भी बोल दूंगा दोस्तों, गेस द मॉडल। आज जो प्राउडली आप लोगों के सामने जो मैंने प्रेजेंट की हुई है ना कार, इट्स द नेक्स्ट लेवल। देखिए आज मैं लो बीम हाई बीम की बातें नहीं करूँगा, मैंने जो ओसराम के जो प्रोजेक्टर ये कार में इंस्टॉल किए हुए हैं, मैं आज उसकी बात करूँगा। आप देख सकते हैं लो बीम हाई बीम ऑफ है, अब मैं इसे ऑन कर रहा हूँ। मैं दिल से बोल सकता हूँ दोस्तों कि ये जो प्रोजेक्टर है, इसे लो बीम और हाई बीम की भी ज़रूरत नहीं है, ये ऑफ मोड है, ये ऑन मोड है। द क्विक स्टार्ट प्रोजेक्टर्स है। अगर कंपनी ने दावा किया है 200 मीटर के ऊपर जाएगी लाइट, तो ये जाएगी दोस्तों, क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी प्रोजेक्टर्स नहीं है। अगर एडिशन निकालना है तो ब्रांड के साथ आपके साथ आऊँगा। तो ये ओसराम प्रोजेक्टर की पावर है नाइट मोड के टाइम पे, और लो बीम हाई बीम मैंने ऑन नहीं की हुई है। अगर इतनी अच्छी आगे है तो एम्बियंट लाइटिंग भी तो कुछ डिफरेंट मैं करूँगा दोस्तों। ये कार में जो एम्बियंट लाइटिंग जो ऐप के थ्रू रन होती है, इसका पैटर्न ही अलग किया हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ वी लाइन एडिशन का पैटर्न है जो आप बोल सकते हैं। एम्बियंट लाइटिंग भी आप देख सकते हैं इसमें किस लेवल की हमने इंस्टॉल की हुई है, और फिनिशिंग वर्क आप देख सकते हैं एम्बियंट लाइट का। लेकिन एक एम्बियंट लाइटिंग तो अलग बात है, लेकिन जो इंटीरियर, अगर मैं जिसे स्पार्कलिंग बोलता हूँ दोस्तों, तो जस्ट सी द फिनिशिंग ऑफ द इंटीरियर वर्क नाइट मोड के टाइम पे। ये जो इंटीरियर भी है, दिन होए या रात होए, मैंने कोई चीज़ में कसर नहीं छोड़ी है। एंड द रियर में जो XL6 की जो मैंने टेल लाइट्स इंस्टॉल किए, इसमें मैट्रिक्स वगैरह लाइट्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं किया, ना एक्सटेंडेड पोर्शन का। एक एस्थेटिक, एक ब्रांड, एक लुक, एक एडिशन आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना था, जो मैंने आपको प्रेजेंट किया हुआ है। आज दिन डिफरेंट है, गाड़ी भी बहुत दिल से मॉडिफाई की है। मैं तो आज बोल सकता हूँ द प्राउड ओनर ऑफ द वी लाइन एडिशन 2.4 2022। सर से एक रिव्यू लेना चाहेंगे, सर का एक एक्सपीरियंस कैसा रहा वो है। लेकिन जैसे मैंने वीडियोस में भी बोला, ये है एक दिल था कार आपको अपग्रेड करने का, जो मैंने बताया है कि मैं बिलीव क्या चीज की करता हूँ। केतन, हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस? एक्चुअली जब भी हम लोगों ने गाड़ी लिया था, पहले से ही हम लोग इनका वीडियो देखते आ रहे थे और फॉलो भी कर रहे थे। इनका फिटिंग का और सबका मूवमेंट बहुत अच्छा है, तो हम लोगों को फाइनली हम लोग यही डिसाइड कर रहे थे कि गाड़ी मॉडिफिकेशन यहाँ पे ही कराने का है। तो हम लोग का वो डिसाइड हो रहा था, हम लोग सितंबर मंथ में, मतलब हम लोग गाड़ी अभी आए जनवरी को, हम लोग सितंबर मंथ में उससे पहले आए थे। तो ये तनवीर भाई बोले कि जब भी आपका गाड़ी आएगा तब भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं जब भी गाड़ी आया तभी लेके आया दिखाने के लिए, तो जो भी चीज़ है मैं उनके ऊपर छोड़ दिया कि भाई आप करो करके। तो पैसे के बारे में हम लोगों को नहीं देखना था, सिर्फ गाड़ी अच्छा करके दे, सिर्फ इतना था। पर वो जो गाड़ी अभी बना के दिया है, फुल ऑन सेटिस्फेक्शन है कि बहुत अच्छा गाड़ी बना के दिया है। एक्चुअली अर्टिका लग नहीं रही है। हम लोगों का पहले बजट था कि अर्टिका ना लेके थोड़ा दूसरा गाड़ी ले ले, पर बिकॉज ऑफ पेट्रोल और वो सबका, CNG का वो सबका माइलेज कंसिडर करके हम लोगों ने अर्टिका ली। पर अभी वो
एज अ क्रेटा के टाइम पे वैसा लग रहा है कि गाड़ी उतना फुल फ्लेज हो गया है, उससे भी ज्यादा बोल सकता हूँ, इतना गाड़ी अच्छा बना के दे दिया। थैंक यू दीपक, थैंक यू सो मच। राकेश क्या बोलना चाहिए? मतलब अगर देखा जाए तो ऐसे बोलते हैं कि आर्टिका एक बजट कार है, मतलब सीएनजी है, तो यार ठीक है, मतलब काम चलाओ काम है ऐसे, बट जो भी जब भी जहाँ पे कुछ पैशन रहता है तो गाड़ी कौन से लेवल पे जाके बना सकते हो और कैसे यूज कर सकते हैं ना, वो आपने दिखा है। मतलब अभी आर्टिका जस्ट एक नॉर्मली ऐसे बजट कार नहीं लग रही है, स्टैंडर्ड और ये तो मतलब अभी जो गाड़ी जो दिख रहा है ना वो अभी मतलब टॉप मॉडल से भी मतलब बहुत ही आगे है, मतलब नेक्स्ट लेवल है, आपने ऐसे बोला है नेक्स्ट लेवल गाड़ी लग रही है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैडम क्या बोलना चाहेंगे आप? सोचने से भी मतलब इतना ज्यादा हो गई, इतना खुशी हो गई देख के, अल्टीगर लगने नहीं है ऐसी, बहुत अच्छी बनाए। थैंक यू सो मच। बिलीव मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया हुआ है। सर ने काफी सारे वीडियोस देखे, उसके बाद मुझे डिसाइड किया, डिसाइड इसी के लिए किया है, क्वालिटी के लिए। मैंने बोला क्वालिटी स्पीक, सस्ती चीज के लिए नहीं है, अच्छी चीज के लिए किया हुआ है। वीडियोस आपने देखे हुए हैं, सब आपके सामने हैं, कस्टमर रिव्यूज भी आप लोगों के सामने हैं। ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही भरोसा देते रहिए, और आगे तो वी लाइंस में एक से एक मैं ऐसा ऐसा आप लोगों के सामने लेके आऊंगा ना। अब अगर किसी ने गलती से भी एटिका ओनर को बोल दिया ना कि बजट कार है, तो फिर ओनर उसको बताएगा कि ये हमारी कोई बजट कार नहीं है, दिस इज आवर लग्जूरियस कार। थैंक यू केतन, थैंक यू। और मैं शुक्रिया अदा आप लोगों का देना चाहता हूं जो सपोर्ट आपने मुझे दिया है। वी लाइन पे वी लाइन खड़ी है, एक चीज मेरे से रह गई है मेरे नजर से, मैं अगले वी लाइन में आप लोगों को प्रेजेंट करूंगा। और वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज उसे लाइक करना, सब्सक्राइब आवर चैनल, नहीं समझ आएगा डिसलाइक करके जाना, डिसलाइक भी वही खुशी से लूंगा जितना आप लाइक करते हो। बाय, टेक केयर।